नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में तीज का त्यौहार सुहागिनों के लिए काफी मायने रखता है। तीज कई तरह के होते हैं। इनमें हरियाली तीज, कजरी तीज मनाए जाते हैं, लेकिन भादों के महीने में जो तीज का त्यौहार मनाया जाता है उसे हरतालिका तीज कहा जाता है। तीज का त्यौहार महिलाएं मनाती हैं। शादीशुदा के साथ ही साथ कुंवारी महिलाएं भी इस दिन व्रत और पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शक्ति स्वरूपा पार्वती ने तीज किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले। इसलिए हर साल महिलाएं अपने सुहाग के नाम पर यह त्यौहार मनाती हैं। तीज में भगवान शंकर और माता पार्वती की जोड़ी की पूजा विधि विधान के साथ और निर्जल उपवास रखकर की जाती है। साथ में भगवान श्री गणेश की भी पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह दिन 9 सितंबर 2021 को पड़ रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो 14 सालों के बाद तीज पर रवि योग बन रहा है। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कठिन निर्जल व्रत रखती है, तो वहीं कुंवारी लड़कियां भी शिव जैसे वर की प्राप्ति के लिए यह कठोर व्रत रखती है। इस व्रत को बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है, इसलिए इसे करने के समय शुभ मुहूर्त, सर्गी का मुहूर्त और व्रत के पालन करने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसा कि हरतालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, इस हिसाब से इस बार तृतीया तिथि 8 सितंबर बुधवार को देर रात 3:59 से शुरू हो जाएगी। इसलिए व्रती महिलाओं को सर्गी यानी कि व्रत से पहले जो भी खाना पीना होता है इस समय से पहले ही खा लेना है, क्योंकि तृतीया तिथि आरम्भ होने के बाद से कुछ नहीं खा सकते हैं। तृतीय तिथि का समापन 9 सितंबर गुरुवार देर रात 2:14 को खत्म होगा। उसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी, इसलिए हरतालिका तीज का व्रत उदया तिथि में 9 सितंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। व्रती चाहे तो दो मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। सुबह में प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 6:03 से सुबह 8:33 तक चलेगा। वहीं प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर गुरुवार की शाम में 6:33 से रात के 8:51 तक रहने वाला है। इस दौरान गौरी शंकर की पूजा विधि विधान के साथ कर सकते हैं। इस बार 14 सालों के बाद चित्रा नक्षत्र के कारण शुभ रवि योग बन रहा है। पंचांग के मुताबिक तीज के दिन शाम को 5:14 से रवि योग का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद प्रभावशाली माना गया है और यह पूरी रात रहने वाला है। कहा जाता है कि रवि योग से कई अशुभ योग का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए इस मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत शुभ रहेगा। तीज की पूजा की विधि का व्रती महिलाओं को पूरा ख्याल रखना चाहिए। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। विधान के मुताबिक सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार के साथ और कुंवारी महिलाओं को भी नए वस्त्र धारण करके पूजा पर बैठना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी से तीनों भगवान की प्रतिमा बनाकर सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल बेलपत्र अर्पित किया जाता है और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। इसके बाद तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ी या फिर सुनी जाती है। इसके बाद श्री गणेश की आरती और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। इस पूजा को करने के बाद व्रती अगले दिन तृतीया खत्म होने के बाद पूजा पाठ करके प्रसाद खाकर और पानी पीकर पारण कर सकती हैं, जिसके बाद उनका व्रत संपन्न हो जाता है। इस तरह से आप तीज पूजा के दिन इन बातों का ख्याल रखकर विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।